माननीय मुख्यमंत्री पंजाब राज श्री भगवंत सिंह मान जी, हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के व्यवस्थापक, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी, दोनों राज्यों के तेलंगाना और पंजाब राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज, तेलंगाना राज्य से मेरे साथ आए हुए मंत्रीगण, पार्लियामेंट के सदस्य, एमएलएस और अन्य साथी, सभा में उपस्थित किसान नेता हमारे मित्र राकेश टिकायत जी और पंजाब राज्य के भी जो किसान नेता है वो नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, सत श्री अकाल। ये कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। अफसोस है कि 75 साल के आजादी के बाद हम लोगों को इस तरह के सभाएं करने पड़ते हैं, आंखों में पानी आ जाता है, बड़ा होता है। आखिर ऐसा क्यों है हमारा देश, इसके बारे में जरूर चिंता करने की जरूरत है। हर चीज के लिए हर किसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, इसके जड़ कहां है, इसका वजह क्या है, इस चीज पे जरूर चर्चा हो, ये मैं दिल से चाहता हूं। हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते कईयों ऐसे समस्याएं हैं जिनके लिए लोगों को लड़ने पड़ते हैं, मरने पड़ते हैं, शहादत देनी पड़ती है। क्या मजबूरी है? हम ही नहीं, दुनिया में कई देश है, समस्याएं हर जगह होती है, ऐसा नहीं कि किसी समस्या किसी देश में नहीं है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार के समस्याएं हैं इस प्रकार के कहीं भी नहीं होते। अरे आप लोगों ने जो शहादत दी है आपके परिजनों ने किसान आंदोलन चलाते हुए, केंद्र सरकार को मजबूर करके अपने कानून वापस लेने तक जो लड़ाई जारी रखे, मैं उन तमाम किसान नेताओं को, किसान भाइयों को सर झुका के प्रणाम करता हूं। जो लोग शहीद हुए हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जैसा माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय मान साहब ने कहा, हमदर्दी हम जरूर जुटा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारा देश है। हमदर्दी जताने वाला, फील करने वाले लोग हैं। पंजाब एक ऐसी महान राज्य है, महान धरती है, जहां से शहीद आजम भगत सिंह आजादी का जंग लड़े थे। पंजाब ने देश के लिए दो योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। एक आजादी के जंग में जिस प्रकार का कुर्बानियां पंजाब ने दी है, हिंदुस्तान का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद जैसा मान साहब अपने शब्दों में कह रहे थे, देश सारा देश जब अन्न के लिए परेशान था, खाने के लिए परेशान था, पहला हरित क्रांति पंजाब में लाके अपने खून पसीना बहा के पंजाब के किसानों ने जिस प्रकार का योगदान, देश को अन्न दिया, देश को खाना दिया, ये भी कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ा योगदान है पंजाब का, ये कभी भूला नहीं जा सकता, हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षर से लिखित रहेंगे। गलवान में जो सेना के आर्मी के साथ जो झड़प हुआ, हमारे राज्य के वहां के कर्नल संतोष बाबू थे, उनके साथी सैनिक जो पंजाब से वहां थे, हमारे कर्नल के साथ ये भी शहीद हुए।
मुझे आना था पंजाब में, आपके राज्य में उन जवान के परिवारों तक जो हम उनके सम्मान में देना चाह रहे थे वो पहुंचाने के लिए, लेकिन चुनाव चल रहा था यहाँ पे। आप तो जानते हैं चुनाव के समय ऐसे कार्यक्रम नहीं किए जाते, चुनाव के प्रतिबंध होते हैं, इसीलिए हम आ नहीं पाए। हाल में भाई केजरीवाल से मेरा बात हुआ जब उनका आम आदमी पार्टी सरकार यहाँ बना, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये अच्छे कार्यक्रम है, हम सभी मिलकर जाके किसान भाइयों का थोड़ा दुख मिटाने का कोशिश करते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ जो मेरे रिक्वेस्ट पे वो भी मेरे साथ पधारे हैं आज आपके साथ जुटने के लिए। मैं उनको मेरे तरफ से, तेलंगाना जनता की ओर से, रावत तमाम भाइयों के तमाम परिवारों की ओर से उनको धन्यवाद भी देता हूँ। किसान भाइयों से, किसानों से मैं अनुरोध करता हूं, जैसा केजरीवाल जी ने कहा हर राज्य में राज्यों के सरकार कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हमारे पास तेलंगाना राज्य बनने से पहले हमारे किसानों का बहुत दुखद स्थिति थी, एक एक दिन 10-10, 12-12, 20-20 किसान आत्महत्या करते थे, बड़ी परेशानी थी, बिजली की किल्लत थी, बिजली पता नहीं कब आता कब जाता है, रात में दिया जाता, रात में जाओ मोटर लगाने तो सांप काटता, बड़ी परेशानी, कोई सुनने वाला नहीं था। अब तेलंगाना राज्य बनने के बाद भगवान की कृपा है, बिजली को हमने ठीक किया, पूरे राज्य में पूरे वो चाहे उद्योग हो, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो या सिंचाई के लिए किसानों को हो, 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर दिया जाता है और वो भी मुफ्त में दिया जाता है। ये बात मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, आज जो दिल्ली में हमारे सर पे बैठे हुए सरकार है वो कह रहा है कि भाई मीटर लगा दो, मीटर लगा के नापो, पैसे वसूल करो, उनको खून चूसो। हमने कह दिया, हमारे असेंबली से कह दिया कि हमारे जान भी जाए लेकिन मीटर नहीं लगाएंगे, आप जो मर्जी कर ले। यानी कि किसी राज्य अगर देना भी चाहता है, अब जैसा कि मान साहब मूंग खरीदने का एमएसपी देके ऐलान किया, वो भी उनको पसंद नहीं है। किसी भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री, वहां के प्रशासन कुछ किसानों की भलाई के लिए काम करता है वो उनको पसंदीदा नहीं है और दबाव डालते हैं, बड़े अजीब अजीब चीजें मिलते हैं। आपने, आप लोगों ने आंदोलन किया, आप बखूब जानते हैं कि क्या क्या कि किस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया आंदोलन के साथ, खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, हम सुन रहे थे। तो मेरा एक ही प्रार्थना होगा किसान नेताओं से, इस आंदोलन को हम जरूर जारी रखें। आपके आंदोलन जो चलना चाहिए सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, इन राज्यों से नहीं, सारे हिंदुस्तान से चलना चाहिए, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, उत्तर, पूरे किसान मिलकर हमको लड़ना चाहिए, हमारे हक है। हम देश दुनिया को खाना देते हैं, उगाते हैं, हमारे खून पसीना बहाते हैं हमारे खेतों में, तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इस प्रकार का दुखद परिस्थिति, इस प्रकार का आंदोलन करने का स्थिति उड़ जाना चाहिए, इसका एक ही रास्ता है। अगर हम किसान चाहते हैं तो सत्ता पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता कहां से आता है, किसी को भी पावर कहां से आता है, हमारे हाथों से आता है। आंदोलन जब तक जारी रखे कि किसान के उगाई फसल को सही दाम मिले, अच्छे दाम मिले, उसका संविधानिक रक्षा मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिले, जो पार्टी ऐसे कहेगी आगे चल के अगले चुनाव में उसी को हम साथ दे, ये आवाज, इस प्रकार का ऐक्यता सारे हिंदुस्तान में अगर हमारे किसान नेता ला पाएंगे ये जरूर संभव होगा। जैसा हम किसान प्रेमी सरकार जहां जहां भी है हिंदुस्तान में, कई सरकारें हैं राज प्रशासन चलाने वाले,
वो सारे भी एकजुट हो जाएंगे। आपके जो आंदोलन चलेगा हम भी साथ रहेंगे। केजरीवाल जी कुछ किस्मत थे, उनके बॉर्डर पे हो रहे थे, उन्होंने खिदमत किया, आंदोलन का काफी सेवा किया, किसानों को बचाने का भी प्रयास किया। अब हम सारे किसान आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे और जब तक लड़ेंगे तब तक हमारे पूरी मांगे केंद्र सरकार नहीं मान सके, मान जाए इस प्रकार का आंदोलन को जरूर समर्थन, पूर्ण समर्थन हम देते रहेंगे। आप लोग आगे बढ़िए, इतना मैं किसान नेताओं से प्रार्थना करता हूं। भाइयों, हम जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको वापस तो ला के नहीं दे सकते आपको, बस आपके साथ हमदर्दी जता के कुछ अच्छे शब्द बोलने के लिए, आपके थोड़ा मन शांति करने के लिए आए हैं। सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने आपके पास आपने ले लिया है उनके आत्मा को जरूर शांति दे, आपके चरणों में अच्छे स्थान दे। और परिवारों से भी हम प्रार्थना करते हैं जो आत्मशक्ति के इस दुख को सहने का भगवान आपको सौंपे। इतना कहते हुए मैं अपना शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद।